हमारे खेतों में एक नई कहानी लिखी जा रही है उन किसानों द्वारा जो बेहतर फसल और बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है अबुबशर गांव में रहने वाले मोहन लाल जी की। मैं जी मोहन लाल, मुझे ये खेती करते लगभग 10-12 साल हो गए। वह कहते हैं कि रिस्क लेने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और इसी साहस ने उन्हें 10 वर्ष पहले डायरेक्ट सीडिंग राइस यानी DSR प्रैक्टिस करने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो बीज की थैली बंद थी, मेरे मजदूर ने वो खोल दी, तो सेठ बोला भी इसको मैं वापस नहीं लेता। तो हमने सोचा ये खेत में चूहे खा जाएंगे इसको, तो इससे बेहतर है इसको खेत में छिट्टा लगा देते हैं, देखेंगे ये क्या करेगी। तो 6 कनाल में मैंने उसको छिट्टा दे दिया 10 किलो बीज का। 6 कनाल में उसने ऐसा झाड़ दिया 26 क्विंटल एकड़ के बराबर हो गया वो। तो हमने सोचा ये तो बहुत बढ़िया बात है, खर्चा ही नहीं लगता इसमें। तो हमने दूसरे साल हमने क्या किया जी, 15-20 एकड़ में छिट्टा लगा दिया, तो वो भी हमारा सक्सेस रहा। फिर उसके बाद तो जी मैंने कभी देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, मैं इसी तरह DSR करने लग गया। मोहनलाल जी ने DSR प्रैक्टिस करने के बाद अपने खेतों में बेहतर पैदावार पाई और उन्होंने इस सफलता को खुद अनुभव करके अन्य किसानों के साथ साझा करने का निर्णय लिया ताकि वे भी नई तकनीकों का लाभ उठा सके। जब मैंने DSR करना शुरू कर दिया तो मेरे पड़ोसी किसान आए मेरे पास, कह तू कैसे कर रहा है, इससे क्या बचत है। मैंने उनको बताया और मैंने देख के मेरे साथी दोस्त भी करने लगी, सभी को फायदा हुआ। मैं उसको फेसबुक पर साझा करता हूँ और मेरी स्टोरी लगा देता हूँ, उससे सभी किसानों के पास चली जाती है, मेरे जितने भी मित्र दोस्त हैं सभी को फेसबुक पर चली जाती है। उसकी वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बना के देता हूँ, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखते के सभी अब की बार मेरा खेत चेक करने आए। इस आर के डॉक्टर भी आए मेरे पास, उन्होंने भी देखा मेरा खेत, और जो गाँव के लोग हैं वो भी काफ़ी आए मेरे खेत के अंदर। लगभग 1 या 2 सेमिनार हो जाते हैं मेरे खेत में, तो वो सभी अटेंड करते हैं और इसके बारे में नॉलेज मैं देता हूँ उनको। पुनर्योजी कृषि तकनीक अपनाकर मोहनलाल जी ने न सिर्फ अपनी खेती की लागत को कम किया है बल्कि साथ ही साथ ग्रो इंडिगो कार्बन फार्मिंग प्रोग्राम में जुड़ के अतिरिक्त आय के साधन भी अपनाए हैं। कार्बन क्रेडिट का तो जी मुझे पता चला जब ग्रो इंडिगो कंपनी का यहाँ नुमाइंदा आया था जी, तो उसने मेरे को बोला भी DSR करते और उसको अगर आप पराली बाहर नहीं निकालते तो आपका कार्बन बढ़ता है। मेरे को तो करते हुए 8-9 साल हो गए। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मेरा खेत का कार्बन बहुत होगा। जब मैंने चेक किया तो मेरे को पता लगा वाकई में बहुत कार्बन है, मिट्टी सॉफ्ट हो गई मेरे खेत की। उनकी यह पहल गांव के किसान समुदाय के लिए एक बड़े परिवर्तन की ओर पहला कदम था। उनकी पहल ने साबित किया कि सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए साहस और नेतृत्व की आवश्यकता है। उनकी ऊर्जा न केवल साथी किसानों के लिए बल्कि उनके गांव के बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। 67 साल की उम्र में भी मोहनलाल जी खेती से समय निकालकर गांव के स्कूल में बच्चों को बास्केटबॉल सिखाते हैं। वो न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नए और सुधारित तकनीकों को अपना रहे हैं बल्कि उनका साहस और आधुनिक दृष्टिकोण गांव के किसान समुदाय को एक बड़े परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।